छौरी आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, चूम कर निकल गई। ये फजूल हरकतें करते रहा करो तुम। नौकरी ढूंढने को कहा था ना? हाशिम, बच्चे को ड्रीम्स तो बड़े देना। ये मत कहें कि नौकरी ढूंढो, ये कहें कि अफसर ही ढूंढो। एक महीना है तुम्हारे पास, एक महीने में नौकरी नहीं मिली कतर भेज दूंगा। लेकिन पापा, मुझे तो अरबी ही नहीं आती। ऊंट चराने के लिए अरबी आना जरूरी नहीं। पापा, मामा, मुझे यही जॉब ढूंढ कर दे, मैंने कतर नहीं जाना। जोरा जबी ईशा, नौकरी ढूंढो, जल्दी से नौकरी ढूंढो। मामा, ये एक जॉब है वेटर के लिए, लिखा है उम्र 18 साल और तजर्बा 20 साल होना चाहिए। नहीं मामा, मैंने वेटर की जॉब नहीं करनी, उसमें बहुत वेट करना पड़ता होगा। मिल गई जॉब। एक बड़ी मिठाइयां बनाने वाली कंपनी को सेल्स मैनेजर चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन की जगह लिखा है सेल्स मैनेजर को डायबिटीज होना चाहिए। अच्छा, जल्दी से अच्छी जॉब ढूंढो कोई। मामा, जितनी अच्छी जॉब्स लड़कियां होती हैं ना, वो पहले से ही ऑक्यूपाइड होती हैं। ये एक एड है, एक अस्पताल में एक मरीज की जरूरत है, तालीम कम से कम मैट्रिक। मामा, ये एक जॉब है, बड़ी क्रिएटिव एड है, कह रहे हैं कोई तो तजुर्बा नहीं चाहिए, बस फौरी आके मिलने। पप्पू भाई, ये है 2 साल पुराना है, ये एक जॉब है, लिखा है सीवी लेकर इंटरव्यू के लिए आए। मामा, सॉरी, अब मेरा बेटा तैयार है। लगता है इंटरव्यू के लिए कोई और नहीं आया, पक्का ये जॉब पप्पू भाई को मिलेगी। पप्पू भाई सूट पे ऐसा लगता है जैसे वलीमे पर आया है। मामा, मैं सूट में ऐसा लगता हूँ जैसे वलीमे पे आया हूँ? नहीं मेरा बेबी, नो जी। मामा आ जाए। मामा, यहाँ तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और ये मुझसे भी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, वेट। हेलो 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 हेलो, जो आज इंटरव्यू हो रहे हैं ना, वो अब कल होंगे। आप लोग अपने घर जाइए, शाबाश, गो होम गो होम। हाँ हाँ, कल के इंटरव्यू भी आज ही हो रहे हैं। है? जोरा जबी, ओए फायर फायर, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हैरत है, कोई आया ही नहीं। मामा, जितनी बेरोजगारी है ना, लगता है सबने आग बुझाने के लिए अप्लाई कर दिया होगा। बेहतरीन, इन सब के होते हुए पप्पू भाई को नौकरी नहीं मिलने वाली, हमें कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पप्पू भाई चलो मेरे साथ, चलो चलो। हाँ भाई, आ गए आग बुझा कर। मामा, ये सब लोग मुझसे डर के क्यों भाग रहे थे? बताती हूँ, तुम जाके इंटरव्यू तो दो। मामा, बॉस भी मुझे देखकर भाग गया, क्यों? मैंने तो सबको ये कहा था कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो और वो सब भाग गए, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले को किसने बताया? वो देखिए बॉस, हेलो बॉस, एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू, मामा भाग गया। एक तो ये हैप्पी पता नहीं कहाँ मर गया है। मौला खुश रखे भाई, हैप्पी आ गया, अब हो जाए हैप्पी। पप्पू भाई को जॉब मिलेगी तो हम हैप्पी होंगे ना। पप्पू को जॉब नहीं मिली ना तो हाशिम पप्पू को कतर पार्सल कर देंगे। मौला खुश रखे भाई, हैप्पी हो जाए। आपको मिनिस्टर बना देता हूँ, आप अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दीजिएगा। हाशिम भाई खुद जाकर चेक करेंगे, असली वाली जॉब चाहिए पप्पू भाई को बड़े से ऑफिस में। मौला खुश रखे, पप्पू भाई को जॉब मिल सकती है लेकिन ऑफिस बॉय की। अरे नहीं भाई, कुछ बा इज्जत जॉब चाहिए भाई। मौला खुश रखे, मैं पता करता हूँ कि कहाँ कहाँ जॉब इंटरव्यू हो रहे हैं, और हाँ, मिनिस्टर की सिफारिश का बंदोबस्त भी तो करना है ना। इतनी सी जॉब के लिए मिनिस्टर की सिफारिश?
भाई मौला खुश रखे, अगर यही हालात रहे तो कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश चाहिए होगी। भाई पप्पू भाई आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और बेहतरीन जी आप मिनिस्टर बनने की तैयारी कीजिए। अच्छा मतलब? अरे मतलब ये कि मिनिस्टर बनकर सिफारिश का फोन भी तो करना है आपने। मौला खुश रखे। नेक्स्ट। सीवी दो। सर ये सीवी। अपने बारे में बताओ। मैं वो हूँ जिसे आपने जॉब देनी है। सीवी के हिसाब से तुम्हें जॉब तो नहीं, जवाब मिल सकता है। तजुर्बा कितना है? 4 साल का, जॉब ढूंढने का। सुने आपका फोन ऑफ तो नहीं? फोन नहीं आया अभी तक। क्या मतलब? आ गया। सुने सुने। हेलो। 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 मिनिस्टर बराए माहौलियात बात कर रही हूँ। मामा माहौलियात? हाँ सॉरी अभी अभी पता चला है, थोड़ी सी चेंजेस है। मैं मिनिस्टर बराए माहौलियात बात कर रही हूँ। जी मैडम, कैसे याद किया? तुम्हें पता है मैं हर काम मेरिट पर करती हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरिट पे नौकरियां देते लोगों को? मामा डांटना नहीं, अपना काम निकलवाना है। अच्छा अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम भी मेरी तरह मेरिट के पाबंद हो। जी जी शुक्रिया। जी मिनिस्टर साहबा हुकुम कीजिए। हुकुम क्या, बस मुझे नौकरी दे दे, यही हुकुम है मिनिस्टर का। चुप करो तुम। नहीं नहीं मिनिस्टर साहबा आपको नहीं कहा। देखो मैं बहुत सख्त मिनिस्टर हूँ, तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती हूँ और मेरी बात तुम बहुत। अब हाँ हाशिम आप आ गए। जी मिनिस्टर साहबा किसे फोन हो रहा है? फूल, अप्रैल फूल। चुप। फिर आप मुझे कौन सी नौकरी दे रहे? मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, धक्का दे सकता। सर क्या कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात तो सुने। सर तो जरा धक्का देना। अगर हाशिम ना आते ना तो पप्पू भाई को जॉब मिल जानी थी, मगर जब भी हम तरक्की करना चाहते हैं आगे हाशिम खड़े होते हैं। क्यों? हाशिम भाई फोन पर बात कर रहे थे पप्पू की जॉब के लिए। अच्छा फोन कतर गया था। अच्छा हैप्पी तुम यहाँ तमाशा देखने बैठे हो, पप्पू को जॉब चाहिए। मौला खुश रखे, पाकिस्तान में कौन है जिसे जॉब नहीं चाहिए। हाँ तो बैठे क्यों हो, काम करो, कुछ नौकरी निकालो उसके लिए। हैप्पी पप्पू भाई के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट बना दो कि हर ऑफिस में इन्हें जॉब मिल जाए। हाँ मौला खुश रखे। भाई पप्पू तुम रेडी हो जाओ इंटरव्यू के लिए, आज से तुम बेस्ट ग्रेजुएट हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मामा बहुत बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बैठे मिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर बोथ जेंटलमैन एंड दिस इज माय सीवी। वेरी गुड, हर साल बेस्ट स्टूडेंट। गुरूर तो बनता है ना फिर। हर क्लास टॉप। आपने मार्केटिंग की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है? यस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की माड़ी। और सर ये टाई भी मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने दी है। अच्छा मजाक कर रहे हैं आप जैसे इंसान का हमारे फर्म में होना हमारे लिए एहसास की बात। एक्चुअली आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। ऐसी सीवी के साथ तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। तो आप मुझे जॉब दे दें, बड़ी मेहनत की है मैंने ये डिग्रियां बनाने में। आप बहुत फनी है। आई एम सॉरी हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, आप इस जॉब के लिए बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं। अच्छा ये पेन मुझे दे, मैं एक सेकंड में क्वालिफिकेशन कम कर देता हूँ। वैसे भी आप लड़के हैं, हमें इस मार्केटिंग के लिए लड़की चाहिए। जो कि हमने सेलेक्ट कर ली है, ये इंटरव्यू तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पर्पसेस के लिए है। मौला खुश रखे, आखिर ये हो कैसे सकता है कि हार्वर्ड के ग्रेजुएट को स्टूडेंट ऑफ द नंबर वन को जॉब ना मिले? या लाइक टोटली या। और मैं जहां भी गया हूँ इंटरव्यू के लिए
कहते हम तो गर्ल्स को जॉब देंगे। हालांकि मैंने हाशिम से कह दिया था कि जॉब का बंदोबस्त हो चुका है। ऊपर से कतर में पापा ने जॉब का इंतजाम भी कर लिया है। हाँ हैप्पी भाई, बस एक ही वीक है हमारे पास। भाई जब हैप्पी है तो फिर सब हैप्पी हो जाए, क्योंकि आपके वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने का वक्त आ गया है। मेरी जान पप्पू भाई, जो मैं आपको कहूंगा आपने बस वही करना है, ठीक है? कितने आदमी, मेरे पास कितने उम्मीदवार है बाहर? बॉस 5 लड़के आए, ये उनकी सीवी है। 95% नंबर लिए, 98% लिए, नकल की होगी। यार अब मूड नहीं हो रहा अभी। बॉस इनके बाद एक मॉडर्न लड़की भी है। तो पहले क्यों नहीं बताया? कौन भेजो उसको अंदर? पहले सीवी ना ले आऊं मैं? कैंडिडेट खुद सीवी होता है, भेज को अंदर। ओके बॉस, अभी भेजता हूँ। मैं पप्पू तो नहीं हूँ। हमें तो बहुत पप्पू लग रही है। मेरा मतलब है, आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम कौसर है, लेकिन मुझे प्यार से पप्पू मेरे जो भाई है वो मुझे प्यार से पप्पी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड। आपका काम का तजुर्बा कितना है? वैसे तो आपने लिखा है कि 10 साल का तजुर्बा चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है कि आप फ्रेश हैं। हमें अपनी कंपनी के लिए फ्रेश कैंडिडेट ही चाहिए। 10 साल के तजुर्बे का तो मतलब ये है कि उसे टाइम पास करने के तरीके आते होंगे। फ्रेश लोग तो अपने काम पे तवज्जो देते हैं ना। सर मेरे लिए जॉब कौन सी है? आपने जॉब नहीं देखी? कुद्दूसी साहब के असिस्टेंट की जॉब है। असिस्टेंट? मैंने किसी और की असिस्टेंट नहीं बनना। अगर मैंने असिस्टेंट बनना है तो वो सिर्फ आप। वेरी गुड भाई, बहुत ही वेरी गुड। अनमैरिड? वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड। मैं भी अपनी पीए को चेंज करना चाह रहा था, उसकी शादी हो गई है ना। मैं कल से आ जाऊँ? वेरी गुड भाई, बहुत ही वेरी गुड। कुदीजू साहब, मिस कौसर का अपॉइंटमेंट लेटर फौरन से पेश कर मेरे पास ले आइए। अल्लाह खैर करे, कोई नया तमाशा है? हाशिम जी, पप्पू भाई को जॉब मिल गई है। पप्पू भाई को जॉब मिल गई? यस पापा, यस। अपॉइंटमेंट लेटर है, दिखाओ। हाशिम भाई ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर, मिसेस कौसर से मिस्टर कौसर तो कर दिया था ना। हाशिम जी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। उनको नाम लिखने के लिए ना कंपनी का 2-2 बोर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक बोर्ड पे उनका नाम नहीं आता, इतनी बड़ी कंपनी है। पापा मैं लड़की तो नहीं हूँ? मुझे तो पहले से पता है बेटा, आपको अब पता चला? ये तो बड़ी कंपनी है, इसमें तो बड़े क्वालिफाइड लोगों को रखते हैं। पापा भाई भी तो बहुत क्वालिफाइड हो जाता अगर पढ़ता तो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पप्पू भाई को जॉब मिल गई। हाशिम जी, हमें जब भी इज्जत मिलती है तो आपको यकीन क्यों नहीं आता? हाशिम भाई बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी जबरदस्त सैलरी, बल्कि वो तो पिक एंड ड्रॉप भी ऑफर कर रहे थे, हमने मना कर दिया। पप्पू भाई, कंपनी पिक एंड ड्रॉप दे रही थी तो मना क्यों किया? पापा घर से लड़कियों की तरह कैसे जा सकता हूँ? क्या वो इनका मतलब है कि वो पिक एंड ड्रॉप वाली गाड़ियाँ है ना, वो लड़कियों को दफ्तर छोड़ती हैं। उनके साथ जाना पापू भाई को लड़कियों के साथ जाना ना क्या? अच्छा ठीक है, मुझे लोकेशन शेयर करना, मैं दफ्तर का चक्कर लगाऊंगा। श्योर, एनी टाइम पापा, एनी टाइम। मामा पापा दफ्तर आने का कह रहे हैं। हाशिम जी आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पेरेंट्स का आना मना है। तुम नहीं जा सकता भाई, अपने बेटे का दफ्तर तो देखूंगा ना जाके। देखिए आप प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, वरना पप्पू भाई की नौकरी भी चली जाएगी। बेहतरीन, शट अप।
ये ले पप्पू भाई, मेहनत से और दयानतदारी से काम कीजिएगा। हाँ पप्पू जान, मेहनत से काम करना है, दयानतदारी से नहीं करना। तुम्हारे पापा को दयानतदारी पे ही निकाला गया था, उसके बाद कहीं वो कतर गए थे। लगता है हैप्पी मेरी ड्रेसेस लेकर आ गया। मामा ड्रेसेस क्या मतलब? मतलब कि रोज रोज एक ही ड्रेस थोड़ी पहन के जा सकता है पप्पू भाई। अच्छा थोड़ी लगता ना। क्या पापा, वो ऑफिस में लड़कियां होती है ना, तो पप्पू भाई एक ही ड्रेस थोड़ी पहन के जाएंगे हर दिन। My sweet little papa, do you love me? Of course. Then promise me you will never kill me, no matter what. What? 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 The phone was happy. मौला खुश रखे, मौला खुश रखे। लो जी हो जाओ हैप्पी, क्योंकि मैं पप्पू भाई के लिए मॉडर्न ड्रेसेस लाया हूँ, वो भी रेंट पर। अच्छा रेंट पर, मुझे भी बताओ। हाशिम भाई, मर्दों के देखने वाले ड्रेसेस थोड़ी है, वो हमें शर्म आती है। शट अप, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये तो लेडीज ड्रेसेस हैं, ये पहनेगा पप्पू भाई? हाँ ये तो लेडीज ड्रेसेस है हैप्पी, ये थोड़ी पहने का पप्पू भाई। जाओ जाके मर्दाना ड्रेसेस लाओ। मौला खुश रखे, मर्दाना ड्रेसेस? हैप्पी तुमने सुना नहीं, हाशिम जी कह रहे हैं कि ये जनाना ड्रेस है, जाओ मर्दाना ड्रेसेस लाओ। मौला खुश रखे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये लेडीज ड्रेसेस हैं। अगर तुम्हें पता नहीं होता, जब भी तुम्हें बताते तब भी तुम यही समझते कि लेडीज ड्रेसेस हैं। अरे मैं तो खुद लेकर आया हूँ ये ड्रेसेस दफ्तर जाने के लिए। ये सब क्या है भाजी? ईशा क्या है ये बताओ ना। वो पापा, मामा ने ये ड्रेसेस मंगवाए थे पप्पू भाई के दफ्तर जाने के लिए। लेकिन बेहतरीन, तुमने तो मुझसे कहा था कि वहाँ पेरेंट्स का जाना मना है। मना है ना, लेके जाओ ये कपड़े। सुना है ना हाशिम जी कह रहे हैं मना है वहाँ जाना। थैंक यू हाशिम जी, दफो जाइए। बेहतरीन तुम कब बड़ी हो गया? हेलो मिस, कोई काम में मुश्किल हो तो मुझे बता देना। तुम्हें क्यों बताएं? मैं यहाँ सीनियर हूँ ना। चलो शाबाश, चलो शाबाश, चलो। कोई काम में मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा ना। सर कुद्दूसी जी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो मैडम को सिस्टम चलाना सिखा रहा था मैं। मैं खुद सिखा दूंगा, जाए आप अपने कमरे में। जी जी जी, जी सर। मिस कौसर आप आइए, मैं सिखाता हूँ आपको मेरे कमरे में। आइए कैसे काम करते हैं। आइए 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 आइए। वो असल में मैं ये कह रहा था, अब बैठ जाइए। आप क्या लेंगी, ये चाय या कॉफी? साथ अगर थोड़ा खाने। क्या आपकी आवाज मर्दाना क्यों हो गई? असल में सर गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आवाज थोड़ी जिगजैग सी हो गई। अच्छा सुनिए, चाय के साथ आप ना पिज्जा मंगवा दे। चाय के साथ पिज्जा? जी दो चाय एक पिज्जा। लार्ज वन? बड़ा वाला, बड़ा वाला। हाँ सवाल पूछूं आपसे? जी प्लीज। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई लड़की ही नहीं मिली। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि किसी भी लड़की को शादी करने के लिए एक अच्छे रिश्ते की जरूरत होती है, तो वो अच्छा रिश्ता नहीं मिला अभी तक। आपको कैसा रिश्ता चाहिए? हसीन हो, पढ़ी लिखी हो। मेरे मतलब चूंकि मैं हसीन हूँ तो रिश्ता मालदार होना चाहिए। लो जी आपको रिश्ता मिल गया। मेरी भी अभी इस साल कोई शादी नहीं हुई। वैसे
आपकी पापा क्या करती हैं? हाय वो तो बहुत गुस्सा करते हैं। फिर तो आपकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। कब आएगा? मैं? नहीं पिज़्ज़ा। इसमें बोटियां बहुत ज्यादा है। कुछ और लेंगे? अगर आप जिद कर रहे हैं तो एक और पिज्जा मंगवा दें। लार्ज वन, असल में मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ। एक और लार्ज पिज्जा? अरे पप्पू भाई, तुम्हारा बॉस तो बड़े पिज्जे मंगा के खिलाता है। हाँ मामा, बड़ा मजा आया। मामा वो कह रहा था कि अपने मामा पापा से मिलवाओ, शादी की भी कोई बात कह रहा था। ओ तेरी, वो पप्पू भाई को लड़की समझकर उनसे शादी करना चाहते हैं। हाय हाय, और अगर बॉस को पता चल गया कि पप्पू भाई एक लड़का है तो जॉब गई। पप्पू भाई, तुम पिज्जा खाने से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दो। मामा काम में नहीं मजा आता, मुश्किल होता है, पिज्जा खाना बहुत आसान है। पापा इतना मजा आया, इतना मजा आया। पहले मैंने पिज्जा खाया, फिर मैंने पिज्जा खाया, उसके बाद फिर मैंने पिज्जा खा लिया पापा, इट वॉज यमी। ये कैसा दफ्तर है भाई? पक्की बात है ना, तुम कंपनी में जॉब करते हो या कहीं पिज्जा डिलीवरी कर रहे हो? नो स्वीट लिटिल डैडी, मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मुझे लगता है हाशिम जी को शक पड़ गया है। अलर्ट रहना, तुम खास तौर से अलर्ट रहना तुमने। हाय पप्पी जी। अंकल, खबरदार जो मुझे अंकल का, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। लेकिन कल तो आपने कहा था कि मुझे बॉस ना कहा कर। भाई बॉस ही ठीक है। पप्पी जी, आज डिनर पे चले? हैं डिनर? अभी चले? अरे भाई डिनर तो रात को होता है। रात में होता? फिर तो मामा से पूछना पड़ेगा ना। हाँ तो पूछ लो, बल्कि मेरी बात करा दो, मैं तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा उनसे। क्या देखे आप मुझे कोई काम वगैरह क्यों नहीं देते? ओहो भाई, ये कंपनी तुम्हारी है, तुम दूसरों को काम दो। पापा का फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पापा भाई, ऑफिस तुम्हारा सेकंड फ्लोर पे है ना? जी पापा। पापा आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ मैं आया हूँ यहाँ पर तुमसे मिलने। हेलो हेलो पापा, माय फादर जस्ट लव्स मी, ही डज नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे पप्पू भाई होंगे, बॉस के पीए। पप्पू? पप्पू नाम का तो कोई पीए नहीं है बॉस का। कहीं कौशर के नाम से तो नहीं जानते लोग उसे? यहाँ अब कौशर पीए हैं कोई बॉस के? मैं उनका फादर हूँ। आप कौशर के वालिद हैं? कहाँ है वो? वो बॉस की बगल में। बगल? ओ, मेरा मतलब के बॉस के बगल वाले कमरे में। मुझे उनसे मिलना। हाँ आप तस्वीर रखें, मैं बताता हूँ। कुदरती साहब, वो मिस कौसर की फैमिली आई है, उनके वालिद साहब आए हैं। ठीक, भेजता हूँ जी। बॉस, मिस कौसर की फैमिली आई है, माँ बहन पप्पू, अब तो बाप भी आ गया है। वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड। मैंने कल उससे कहा कि अपनी फैमिली से मिलवाए, आज उसने बुलवा भी लिया। कुदरती साहब, उनकी फैमिली को आप मेरे कमरे में लेकर आए।
एक मिनट मोदी साहब, मैं कैसा लगता हूँ, कितने साल का? बॉस साहब 60 साल के लगते हैं। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 60,000 रुपए। तुम्हें तो नजर ही नहीं आता, तुम्हारी तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए। लेकिन बॉस साहब हैं 60 के, लगते 30 साल के। हाँ तुम्हें ठीक नजर आता है, तुम्हारी तनख्वाह 60 ही रहनी चाहिए। थैंक यू बॉस। इस कौशल की फैमिली को इज्जत के साथ मेरे कमरे में लेकर आओ। बॉस अभी लेकर आया। मम्मा पापा आ गए हैं। जोरा जमी ईशा सोचो हाशिम जी को यहाँ आने से कैसे रोका जाए। पप्पू भाई तुम चुप जाओ। ओए पप्पू इधर चुप, अंदर चुप। अच्छा मम्मा चुप 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 चुप। हाय हाशिम जी आप आ गए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम पप्पू भाई का ऑफिस देखने आए थे, उनके बॉस ने हमें निकाल दिया तो हम जा रहे हैं। चले आप भी चले। ये पप्पू भाई का कमरा है, बहुत अच्छा है। कहाँ है वो? वो कहाँ है शाह? पापा वो बॉस के साथ मीटिंग में है, वो आ रहे हैं। चलो चलो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ हम जा रहे हैं। किसे कह रही हो भाई? दफ्तर वालों को कह रहे हैं ना। वो आ रहे हैं, चले चले जी। वो जी कुद्दूसी साहब ने कहा है कि आपको बॉस के कमरे तक इज्जत से लेकर आऊं। लेकिन उन्होंने तो कहा कि वो मीटिंग में है बॉस। तो हाशिम भी बहुत बिजी है, नहीं आ सकते और हम लोग भी नहीं आ सकते। ऐसा ऐसा ना करें, वो बॉस मेरी तनख्वाह काट कर आधी कर देंगे, बल्कि मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। अच्छा चलिए आइए। हाय हाय हाशिम जी, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे घर ले चले। अरे हार्ट अटैक वाले तो अस्पताल जाएंगे ना, ओपन हार्ट सर्जरी होगी फिर। हाय नहीं, वो मुझे बिल्कुल अस्पताल ले जाएं आप, लेकिन हार्ट अटैक मुझे नहीं, जोरा जब इनको हुआ है। नहीं नहीं मैं तो छोड़। चुप खिचड़ी हम अश्वर चलिए आइए। पक रही है दिन रात ही लबों से लालच टपक रही है, घर में पड़ोसियों के रहती है टांग ठाकी सोने का। हाय शुक्र है चले गए, पापा को पता नहीं चला। मिस कौशिक वो आपको बॉस बुला रहे हैं। ओके बाय, कॉल मी, बाय। जाऊं ना जाऊं क्या करूं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हमें 25 साल से नहीं समझ में आई, आपको 25 सेकंड में कैसे समझ में आ सकती है? बेहतरीन। चुप। देखिए आपने मेरे बेटे को यकम को जॉब दी है यहाँ। मैंने तो किसी के बेटे को जॉब नहीं दी। अरे सर दी होगी, आप तो इतनी जॉब देते रहते हैं, हम भूल गए, हम बहुत जॉबफुल हैं। मामा चलते हैं, चलो चलो। हाँ, आप कहीं मिस कौशल के पेरेंट्स तो नहीं हैं? यकुम को उन्होंने ही ज्वाइन किया? जी उनका नाम कौशल है, मैंने प्यार से पप्पू कहते हैं। ये देखिए ये लेटर उसने दिखाया था मुझे अपॉइंटमेंट, मैंने उसकी पिक्चर ले ली। ये देखिए। डिड यू आस्क फॉर मी सर? ये मिस कौशल है, इन्हें जॉब दिए, इनका लेटर है। ये मिस कौशल है? मैं पप्पू नहीं हूँ। मिस कौशल ये पेरेंट्स हैं आपके? जी बदकिस्मती से हम ही पेरेंट्स हैं इनके। वेरी गुड, ये तो बहुत ही वेरी गुड हो गया। अब्बा जी अम्मा जी मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर ले। क्या बेहूदगी है ये? रिश्ता मांगा है, बेहूदगी किस बात की? ये मेरा सीवी, मेरा बैंक बैलेंस देख ले। अरे आपसे नहीं इनसे कह रहा हूँ मैं। देखो तारा भैया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी और अब तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम लड़की बन के यहाँ जॉब कर रहे हो? तो पापा और क्या करें, ये रुमानी जैसे ठरकी लोग सिर्फ लड़कियों को जॉब देते हैं, तो पप्पू भाई को करना पड़ा ना अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए। इसमें पप्पू भाई का तो कोई कसूर नहीं है ना। बेहतरीन जी जॉब। अरे भाई ये अरब पति लड़की है, एक लौटी जायदाद की वारिस, लेकिन इसके माँ बाप नहीं है। ऐसी खबर सुना सुना के तुम हमारी बेटी को क्यों जलाते हो? मौला खुश रखे भाई, मैं आपको अरब पति बनाना चाहता हूँ। अब देखे पप्पू भाई की शादी नहीं हुई है, इस लड़की की भी शादी नहीं हुई है, अगर दोनों की शादी हो गई तो सारी जायदाद आपकी। पापा मैं किसी के टायर को नहीं पंक्चर कर रहा था। ईशा पप्पू भाई को क्या पता, तुम बताओ ना। वो पापा वो एक खातून थी, उन्होंने कहा था टायर बदल दो, पप्पू भाई टायर बदल रहे थे तो उनको लगा वो चोरी कर रहे हैं तो उन्होंने पीट दिया। बेहतरीन, तुम्हारी तरह की कोई औरत होगी। हाँ। हम सब अजीब से हैं।
खिचड़ी है मशवरों की जो रोज पक रही है दिन रात ही लबों से लालच टपक 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 टपक